दोस्तों क्रिकेट के बारे में मैं आपको बहुत सारे बातें बताते रहता हूँ, आज भी एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ और वो है बॉलिंग के बारे में। अगर कोई बॉलिंग करता है, कोई बॉलर, वो बॉल अगर पिच के बाहर पिच होता है, यानी पिच के बाहर बॉल टप्पा खा के जाता है, तो उसे क्या बॉल करा दिया जाएगा? डेड बॉल, नो बॉल या फिर वाइड बॉल? क्या बॉल करा दिया जाएगा? आप कुछ डिसीजन ऐसा भी है सुन के चौंक जाएंगे। जी हाँ, क्या है वो सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो बॉल होता है, सबसे पहले ये बॉल वैलिड माना जाता है या नहीं। यानी कोई अगर बॉल पिच के बाहर, यानी पिच का जो सरफेस है उसके बाहर, मान लीजिए घास एरिया है, वहां पर अगर बॉल पिच करता है, यानी बॉल फेंकता है, बॉल का टप्पा वहां पर गिरता है, यानी बॉल का बाउंस वहां पर गिरता है, तो उसे क्या बॉल करा दिया जाएगा, वो वैलिड होगा या नहीं? दोस्तों आईसीसी या फिर एमसीसी का जो नियम है उससे कहा जा रहा है, यानी उसके अकॉर्डिंग ये जो बॉल होगा, ये बॉल एकदम ही वैलिड बॉल होगा। तो टप्पा अगर बाहर खाएगा तो वैलिड बॉल माना जाएगा। तो वैलिड बॉल वो तो शायद बल्लेबाज तक शायद पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उसे क्या बॉल करा दिया जाएगा? यानी मान लीजिए कोई बॉल पिच के बाहर गिरता है और उसके बाद बैट्समैन के बहुत दूर से जाता है, तो उसे एज ए वाइड बॉल करा दिया जाएगा। यानी बॉल मान लीजिए पिच के बाहर टप्पा खाता है, तो वो बॉल अगर वो टप्पे के बाद ही विकेट कीपर के पास चला जाता है, या फिर उसके बाद और एक टप्पा खा के विकेट कीपर के पास जाता है, तो उसे एक वैलिड बॉल वाइड बॉल करार दिया जाएगा। और ये जो सेकेंड ड्रॉप होगा, यानी सेकेंड बाउंस, वो विकेट से आगे होना चाहिए। अब अगर सेकेंड सिनेरियो में कोई बॉल अगर पिच के बाहर टप्पा खाता है और वहां पर टोटल विकेट से पहले 3 बाउंस होता है या फिर 3 से ज्यादा बाउंस होता है और विकेट कीपर उसे लपक लेता है 3 बाउंस या फिर उससे ज्यादा के बाद, तो उसे नो बॉल करार दिया जाता है। और अगर कोई बॉलर पिच के बाहर टप्पा खिलाता है कोई बॉल को, 1 या फिर 2 बाउंस के बाद बैट्समैन के पास बॉल जाता है और बैट्समैन उस बॉल को चौका छक्का 1-2 रन लेता है, तो वो वैलिड बॉल माना जाएगा, उसे वाइड बॉल या फिर नो बॉल करार नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अगर बॉलर 3 या फिर उससे ज्यादा बाउंस करवा के बैट्समैन तक वो बॉल पहुंचाता है पिच से बाहर बाउंस करवा के, तो वो बॉल एज ए नो बॉल करार दिया जाएगा। यानी पिच से बाहर कोई बॉल टप्पा खाए भी तो उसे वैलिड बॉल करार दिया जाता है। और कभी कभार जब स्लिप होता है बॉल हाथ से, तो वो बॉल को डेड बॉल करार दिया जाता है। वो पूरी तरह से बैट्समैन, बॉलर और अंपायर तीनों के मिली डिसीजन होना चाहिए, और बॉलर इसमें अपील भी कर सकता है अंपायर को ये डेड बॉल करार दिया जाए। तो दोस्तों आपको ऐसा पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों, और साथ में ये भी लिखिए कि क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।